फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। तो आज मैं आप सबके लिए मटर के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन ये रेसिपी थोड़ी सी अलग है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब आटा लिया है, होल व्हीट आटा है ये, और इसमें हम लोग बिल्कुल 1/2 टीस्पून के करीब तेल डालेंगे। और यहाँ पे तेल डालने से क्या होगा कि आटा जो है वो खस्ता हो जाएगा, और उसे अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। नमक जो है वो स्वाद अनुसार आप डालें या ना डालें, ये ऑप्शनल है यहाँ पे। तो उसे हाथ से हमें बिल्कुल मैश करना है, इतनी देर मैश करना है कि ये बिल्कुल हाथ से बाइंड होने लगे। जब ये हाथ से बाइंड होने लगेगा, इसका मतलब है कि अब ये खस्ता हो चुका है। अब इसमें हमें पानी डाल के इसका डो तैयार करना। उसके बाद ये डो तैयार हो चुका है, अब इसमें हम लोग हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इससे हम लोग आटे को बस अच्छा से ऊपर से मिला लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका डो जो है वो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होने के लिए बस ऊपर से ऑयल हल्का सा लगाते हैं, और खस्ता बनाने के लिए आटे में पहले ही हम लोग तेल डालते हैं। ये 2 प्रोसेस होता है। अब ये डो तैयार है, ढक के इसे हमें रख देना है आधे घंटे के लिए। मीनवाइल हम लोग अब फिलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर लिया है, इसे आप पहले पानी से धो के रख ले ताकि ये जो इसका हार्डनेस होता है वो हट जाएगा पूरा। यहाँ पे मैंने 2 कप ही मटर लिया है, तो उसे हम लोग ग्राइंडिंग जार में डालेंगे धोने के बाद, और उससे बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे कोई पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, जो आप धोएंगे तो धोने के बाद उसमें थोड़ी सी नमी रह जाती है, बस उतना ही हमें इसमें पानी चाहिए होगा, और एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना है। और यहाँ पे मैं आपको कोई भी, जो जनरली लोग बनाते हैं तो उसमें आटा मिक्स कर देते हैं, ये सब मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल ऐसा बनाऊँगी जिससे आपको ये जो मटर है उसका टेस्ट आए, और किसी चीज़ का टेस्ट उसमें इंक्लूड ना हो। तो अब हम लोग इसे अलग रख लेंगे, और अब हम लोग इसका जो मसाला है वो प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाही लेंगे, और उसमें सबसे पहले तेल या घी आपको जो पसंद है वो डालिए। 1/2 टीस्पून के करीब ही तेल डालना है, कहीं भी ज़्यादा तेल का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। और अब उसमें हम लोग ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब ही, और उससे स्प्लटर होने देंगे। फिर उसमें हींग डालना है, बिल्कुल 1 पिंच के करीब आपको हींग यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आप अगर आपको पसंद है हींग तो ज़रूर डालिए। अब उसमें हम लोग प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। रेसिपी जो है वो आपको vedix.in पे भी रिटन रेसिपी मिल जाएगी फोटोग्राफ्स के साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी, और साथ ही में जो भी रेसिपी के डिटेल्स होते हैं क्वांटिटी के साथ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो अब प्याज और जो हरी मिर्च है उसे भी अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। प्याज को बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट करने तक फ्राई करना है। अब इसमें हम लोग जो पीसी हुई मटर है वो डालेंगे, और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करना है कुछ देर। यहाँ पे आप ढकिएगा मत, ढकने से क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ मसालों का इस्तेमाल करूँगी। वैसे तो आप चाहें तो टमाटर ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें इसे गीला नहीं बनाना है, इसलिए मैं और कुछ या फिर खड़े मसाले जो होते हैं उसे भी कूट के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसमें हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब ही। अगर आप चाहें तो चाट मसाला यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं धनिया का पाउडर 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब आप डालिए, और नमक जो है वो स्वाद अनुसार डालिए। और उसके बाद सबको मिलाते हुए बस हमें बिल्कुल कंबाइन कर लेना है, मतलब एक तरह से सारे मसाले को हम लोग जो मटर है उसमें मिला रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी फ्लेवर्स होंगे वो आपके फिलिंग में आ जाएंगे। और यहाँ पे सौंफ भी बहुत लोग डालते हैं, सौंफ का पाउडर या फिर खड़े मसालों का पाउडर, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। जीरा के साथ आप धनिया कूट सकते हैं, फिर
अजवाइन डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। अब ये बन चुका है तो इसे हम लोग निकाल के अलग रख लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो फिलिंग है उसे हाथ में लेके उसे लड्डू का शेप दे देना है, बिल्कुल छोटा छोटा लड्डू की तरह आपको बना लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने कोई आटे का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, मैंने इसे इसी तरीके से आप बनाइएगा तो आपको कभी भी आपका ये जो पराठा है खराब नहीं होगा। और दूसरी रेसिपी जो है वो भी मैंने डाली हुई थी पहले, जो अलग तरीके से मैंने बनाई थी, उसमें आटे का इस्तेमाल किया था मैंने, तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको वो लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी। और ये देखिए अच्छे से आटे को दोबारा मिक्स करेंगे और उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसकी लोई बना लेंगे। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा ताकि सारे पराठे के लोई जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर कटे। तो फिर हम लोग उसकी लोई बना के तैयार करेंगे, फिर उसमें सूखा आटा लगाएंगे और उससे हम लोग बेल लेंगे या फिर कटोरी का शेप देंगे। तो दो तरीके से हम लोग यहाँ पे फिलिंग फिल करते हैं, एक तो ये वाला प्रोसेस जो मैं आपको अभी बता रही हूँ जिसमें कटोरी का शेप बनाएंगे और उसमें फिलिंग डालेंगे और फिर रैप कर लेना है। तो ये वाला प्रोसेस जो है ये भी आप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा प्रोसेस भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से रैप हो चुका है, अब इसे फिर से सूखे आटे में आपको लगाना है और उसके बाद इससे बेल लेना है। और यहाँ पे फटने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और फट भी जाएगा तो भी ये ख़राब नहीं लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये जो रेसिपी है ये आप बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं, मैंने जो पहली रेसिपी दी थी उसमें भूनना नहीं था मैंने बस बॉयल किया था, हल्का सा उसे बिल्कुल बॉयल किया था। वो रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये प्रोसेस भी बहुत इजी होता है। तो दूसरे प्रोसेस में जो फिलिंग है वो भरने के लिए पहले आप उसे बेल लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो बॉल बनाए हैं वो डालेंगे और उसे बस रैप कर लेंगे। तो ये दो प्रोसेस है फिलिंग को भरने का अगर आप पराठे बनाते हैं तो। दोनों प्रोसेस में से जो भी प्रोसेस आपको आसान लगे आप वो फॉलो कीजिए, पराठे बिल्कुल अच्छे बनते हैं। फिर हमें सूखे आटे में मिलाना है इसे और बस बेल लेना है, और बेलते समय हाथों को बिल्कुल हल्का रखिएगा। हल्का रखने से क्या होता है कि रोटियां जो हैं वो अपने आप गोल गोल घूमने लगती हैं, और उससे क्या होता है वो बिल्कुल गोल बनती है और अच्छी अच्छी बनती है, वो मतलब फटेगी नहीं और बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पराठे जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर आप तवा पहले से ही हीट करने के लिए रख दीजिए, और उसके बाद हम लोग उस पर जो पराठे बने हैं उसे डालेंगे और उसे अच्छे से सेक लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो या तो कुकटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंडक्शन, या फिर सबसे अच्छा तो हमारा इंडियन स्टोव जो होता है उस पर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से बनता है इसमें। उसके बाद घी लगा लेना है, घी या तेल जो भी आपको पसंद है वो लगाइए, मैं यहाँ पर फ़िलहाल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद हम लोग ऑयल लगा के पलट लेंगे, उससे क्या होता है ना कि वो बहुत क्रिस्पी हो जाती है, और जैसा मैंने बताया था कि खस्ता बनेगी तो कुरकुरी सी और खस्ता बिल्कुल बनेगा, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो उसे बस दोनों तरफ से पलट पलट के हमें सेक लेना है, आँच को मीडियम से स्लो तक रखना होगा आपको। जब आपको लगे कि ज़्यादा तवा गर्म हो गया है तो आप स्लो कर दीजिए, फिर जब लगे कि ठंडा हो गया है तवा तो फिर आप तेज कर लीजिए। इसी प्रकार से हमें बाकी पराठे भी तैयार कर लेने हैं। और अगर आपको पराठे फुलाने हैं तो फिर इसे कुछ देर एक तरफ से सिक जाने के समय इसे कुछ देर ऑयल लगा के पलट लीजिएगा, तो ये अपने आप पफ करने लगते हैं,
अगर कहीं से मटर आपको बाहर ना दिखे तो बहुत आसानी से वो पफ कर जाते हैं और क्रिस्पीनेस तो आएगी ही, साथ ही में खस्ता भी रहेगा। तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा तो पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। और इसे सर्व करने के लिए आप चाहें तो कोई सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर बिल्कुल चटनी या अचार के साथ भी ये सर्व किया जा सकता है। और सर्व करते समय या तो आप इसे तिकोने रूप में काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे ही आप इसे सर्व कीजिए। मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।